हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम कर रहे थे मैथलर्जी, और मैथलर्जी के चार स्टेप चल थे। हमने बताया था, पहला स्टेप हो गया था, दूसरा स्टेप भी हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे आज थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास से? जो मेन जो थर्ड स्टेप है मैथलर्जी का, जो तो थर्ड स्टेप है हमारी चल रही है ये यूनिट नंबर 6, जर्नल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मेटलर्जी मीन्स, तो मेटलर्जी का जो थर्ड स्टेप था क्या था? एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ऑर। पहले स्टेप में क्रैश किया, सेकंड स्टेप में अर्थ इंप्योरिटीज को रिमूव किया, मींस ओर को हमने क्या कर लिया? कंसंट्रेट। अब उस कंसंट्रेट ओर में से क्या करना है? क्रूड मेटल ऑब्टेंड करना है, मींस मेटल अलग करना है, मेटल के साथ जो भी कंबाइंड फॉर्म में जो इंप्योरिटीज हैं उनको अलग करना है, जो कंबाइंड पार्ट है उसको अलग करना है। तो यहाँ पर जो हमें मेटल मिलेगा वो थोड़ा सा मोल्टन फॉर्म में होता है, और वो क्या है? इम्प्योर होता है, वो प्योर नहीं मिलेगा हमें, इम्प्योर मिलेगा। फिर फोर्थ वाले स्टेप में जाके उसको हम प्योरीफाई करते हैं। तो अब इस थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम? अब एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, क्रूड मेटल ऑब्टेन कैसे करेंगे? इसमें फर्दर हमारे पास दो पार्ट है, ठीक है। पहले तो क्या करेंगे हम कि जो भी हमारे पास ओर है उसका हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करके उस मेटल ओर को हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और जो दूसरा स्टेप है, इसमें दूसरे स्टेप में क्या करते हैं फिर कि जो मेटल ऑक्साइड हमें मिल चुका है पहले वाले स्टेप के अंदर, उस मेटल ऑक्साइड को किसी भी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवा करके उसका हम करवा देंगे रिडक्शन। और रिडक्शन करवा करके उसका ये जो ऑक्सीजन पार्ट है उसको हम अलग कर देते हैं, तो ये मेटल अलग हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो इस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मिलकर के बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर जो हमें ये मेटल मिला है, ये मेटल जो है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रूड मेटल बोलते हैं, जो कैसा होता है? इम्प्योर होता है। तो इस थर्ड स्टेप में ये दो पॉइंट चलेंगे, लेकिन अब इन दोनों पॉइंट को थोड़ा सा हम अच्छे से बता दें। तो जो पहला जो स्टेप है ऑक्सीडेशन करके मेटल ऑक्साइड में बदलना, मेटल को ये कैसे बदलेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड के अंदर, इसको दिखाते हैं पहले थोड़ा सा। फिर उस ऑक्साइड से उसका रिडक्शन कैसे करवाएंगे वो हमें दिखाना है वन बाय वन। तो इन दोनों स्टेप को थोड़ा सा हम ओपन करके दिखाते हैं। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास है कैल्सिनेशन, तो बाय कैल्सिनेशन हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, कैल्सिनेशन। एक दूसरा हमारे पास क्या होता है? रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या है? मेटल ओर को हीट करेंगे इन द अब्सेंस या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या तो ऑक्सीजन देनी नहीं है बिल्कुल भी या थोड़ी बहुत लिमिटेड में हमें देनी होती है, और उसको हीट करके फिर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन बोलते हैं। कैल्सिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द मेटल ओर इज कन्वर्टेड इनटू द मेटल ऑक्साइड, उसको हम क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। और अगर हम मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट जब कर रहे हैं हीट करके, तो अगर हमने एक्सेस में अगर ऑक्सीजन सप्लाई की है, बहुत ज्यादा हमने ऑक्सीजन अगर सप्लाई की है, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। उसको हम क्या बोलेंगे? रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कैल्सिनेशन जो है ये हम किसके लिए अप्लाई करते हैं? इट इज अप्लाइड फॉर कार्बोनेट जो और होते हैं उनके लिए अप्लाई करते हैं इसको। एक तो हम, एक जो हमारे पास हाइड्रेटेड और होते हैं, जैसे हमारे हमारे पास है बॉक्साइट Al2O3 डॉट 2H2O हाइड्रेटेड,
कार्बोनेट ओर, हाइड्रेटेड ओर एंड हाइड्रोक्साइड ओर, जैसे हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह के जो ओर्स हैं उनके लिए हम अप्लाई करते हैं कैल्सिनेशन। मींस यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करनी होती है, सिंपल जो मेटल ओर है उसको हम हीटिंग करेंगे, स्ट्रॉन्गली हीटिंग देते हैं और हीट करके उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इसमें हमने दिखाया, इसको जब आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जो CO2 है वो बाहर निकल जाएगी, तो ये ऑक्साइड बन गया। जो हाइड्रेटेड ओर है उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, हीट करेंगे तो ये एलुमिना Al2O3 अलग हो जाएगा और इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो मॉइस्चर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। ऐसे जो हाइड्रोक्साइड है इनको जब हम हीट करेंगे तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस H2O मॉइस्चर की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये होता है कैल्सिनेशन, जिसमें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम हीट करके और पार्टिकल्स को उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, इट इज अ कैल्सिनेशन। ध्यान रखना ये किस किस के लिए अप्लाई करते हैं, कार्बोनेट के लिए, हाइड्रेटेड जो ओर है उनके लिए एंड जो हाइड्रोक्साइड ओर है उनके लिए अप्लाई करते हैं ये, ठीक है। तो एक तरीका ये है ऑक्साइड बदलने का। दूसरा मैंने क्या कहा अभी, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में क्या करते हैं, सेम वही चीज है, हीट करना है और पार्टिकल्स को ऑक्साइड में बदलना है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। रोस्टिंग किसके लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई फॉर सल्फाइड ओर, जो सल्फाइड ओर है उनके लिए हम करते हैं रोस्टिंग। जैसे हमारे पास है PbS, तो इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, एक्स ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये बनता है फिर PbO+SO2 निकल जाती है। ऐसे हमारे पास मान लो जिंक सल्फाइड है, ZnS है, इसको O2 के साथ हीट करेंगे, देन हीट फॉर्म द ZnO+SO2 निकल जाती है, तो ये ऑक्साइड बन रही है इनकी। जो सल्फाइड्स हैं उनके लिए रोस्टिंग करते हैं, कार्बोनेट हाइड्रेटेड ओर एंड हाइड्रोक्साइड्स ओर के लिए कैल्सिनेशन यूज करते हैं। फिर दो मेथड्स अप्लाई करके हम मेटल ओर को मेटल ऑक्साइड में बदल देंगे। अब मेटल ऑक्साइड बन गया है, अब इसके बाद क्या करना है, इसका इनका रिडक्शन करवाना है, मीन्स ऑक्सीजन को बाहर निकालना है। तो ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका रिडक्शन, और रिडक्शन भी मैंने कहा था कि हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं और फिर हम उनका रिडक्शन करवाते हैं। तो जो नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पाइरोमेटलर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं, पाइरोमेटलर्जी बोलते हैं इसको। ऑक्साइड को रिडक्शन करना एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो इस प्रोसेस को, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, पाइरोमेटलर्जी बोलते हैं। अब क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं वो दिखा देते हैं, क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसेस का नाम क्या क्या रख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है, हमने एग्जांपल ले लिए हैं, हमारे पास है FeO, ये मेटल ऑक्साइड है जो कि हमने पहले वाले स्टेप में ओपरेट किया, सपोज हमने आयरन का कोई और लिया था उसको ऑक्साइड बना दिया FeO की फॉर्म में, अब इसका हमें रिडक्शन करवाना है। तो हमने यहाँ पर कार्बन ले लिया, कार्बन क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Fe+CO, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक क्रूड मेटल बन जाता है जो क्या है, इम्प्योर है, जिसको हम रिफाइनिंग करवा के प्योर कर देंगे। ऐसे मान लीजिए आपने FeO का रिडक्शन कार्बन लेने की बजाय आपने कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, तो फिर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, Fe+CO2 निकल जाएगी, अब वही आयरन निकल जाएगा यहाँ पर, लेकिन साइड में CO2 निकल जाती है, तो ये भी क्या है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड यूज किया हुआ है
किसी भी ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। ये प्रोसेस क्या है? स्मेल्टिंग है। किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करना किसकी प्रेजेंस में? कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाना उसका रिडक्शन, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, पायरोमेटलर्जी ही है लेकिन रिजल्ट क्या यूज किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसका फर्दर नाम रख दिया, क्या ये स्मेल्टिंग है। ठीक है, अब यहां पर जैसे सपोज हमने ले लिया कोई भी अदर ऑक्साइड, आपने लिया जैसे हमने लिया है यहां पर Fe2O3 और इसका एल्यूमिनियम के साथ रिडक्शन करवा रहे हैं। ये हमने एक ऑक्साइड लिया इसका एल्यूमिनियम के साथ, ये एल्यूमिनियम यहां पर क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या बन जाएगा? Fe+Al2O3। बैलेंस कर देंगे ये बन जाता है, तो ये तो बन गया हमारे पास क्रूड मेटल। तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट हमने क्या लिया हुआ है? एल्यूमिनियम। तो किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करने के लिए अगर आपने एल्यूमिनियम का यूज किया हुआ है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, आपने यूज किया है एल्यूमिनियम को, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एल्यूमिनोथर्मी। इसको हम क्या बोलते हैं? एल्यूमिनोथर्मी। यहां पर मैंने आयरन का केस लिया है, यहां पर कोई भी मेटल ऑक्साइड हो और उनके रिडक्शन के लिए अगर आपने एल्यूमिनियम यूज किया हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्यूमिनोथर्मी बोलते हैं। और स्पेशली आयरन के लिए यही एल्यूमिनोथर्मी है इन केस ऑफ आयरन, इन केस ऑफ रिडक्शन ऑफ आयरन विद एल्यूमिनियम, यही जो प्रोसेस क्या कहलाता है? थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस या थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं इसको, जो कि किसमें यूज होती है? यूज्ड इन वेल्डिंग, जो वेल्डिंग करते हैं ना वेल्डिंग में यही वाली रिएक्शन हो जाती है। तो नॉर्मली तो ये क्या है? एल्यूमिनोथर्मी है, बट अगर आपने यहां पर ऑक्साइड आयरन का लिया हुआ है उसका आपने रिडक्शन करवाया है एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में, तो उस टाइम इसी एल्यूमिनोथर्मी को ही स्पेशल नाम दे दिया है, क्या बोलते हैं उसको हम? थर्माइट रिएक्शन या थर्माइट प्रोसेस हम बोलते हैं इसको। तो हम इस तरह से हम ये करवाते हैं रिडक्शन। अब इसके बाद आता है कि किस ऑक्साइड के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा सुटेबल है उसको हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे आपको एक या दो दे दिए कि भाई दो रिड्यूसिंग एजेंट हैं और आपको इन दोनों में से किसी का यूज करके और इसका रिडक्शन करवाना है, तो कैसे पता चलेगा हमें कि विच वन इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट? तो इसके लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल है, पायरोमेटलर्जी का प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल को हम इलिंगम डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हम पायरोमेटलर्जी का प्रिंसिपल करते हैं। तो पायरोमेटलर्जी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? वो इस इलिंगम डायग्राम के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करेंगे। मीन्स पायरोमेटलर्जी जो है इसके प्रिंसिपल में ये बताया हुआ है कि जिसकी गिव्स एनर्जी, गिव्स एनर्जी मोर नेगेटिव होगी, अगर किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की गिव्स एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड अगर मोर नेगेटिव है तो वो लेस नेगेटिव वाले को उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इजिली से रिड्यूस कर सकता है। ये बात इसने बताई हुई है प्रिंसिपल के अंदर। ठीक है, क्या है कि जिस सब्सटेंस की गिव्स एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड इज मोर नेगेटिव विच कैन रिड्यूस द लेस नेगेटिव गिव्स एनर्जी वाला जो एलिमेंट है उसको वो इजिली से रिड्यूस कर सकता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये नहीं कि हम किसी भी टेम्परेचर पे वो चीज उसी से करवा सकते हैं, हर किसी का अपना अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे आपको देखना है कि दोनों में से किसकी गिव्स एनर्जी मोर नेगेटिव है वो लेस नेगेटिव वाले को रिड्यूस कर सकता है।
ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स एनर्जी क्या होनी चाहिए, मोर नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए ना। अगर हमारा दोनों की नेगेटिव में है तो जिसकी मोर नेगेटिव होगी वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दिखाएगा। ये पढ़ा है आपने, 11th में पढ़ा था कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स एनर्जी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। अब मान लो दो हमारे पास सब्सटेंस है और दोनों के जो ऑक्साइड फॉर्मेशन है उनकी जो गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन है वो दोनों की मोर नेगेटिव, दोनों की नेगेटिव है सपोज, तो दोनों में से ज्यादा नेगेटिव किसकी है, वो ज्यादा नेगेटिव वाला उस लेस नेगेटिव वाले को इजिली से रिड्यूस करेगा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। हर टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं होता है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, इलिंगम डायग्राम में हमने ये गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन और टेम्परेचर के बीच में डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन दिखा रखी है हमने, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, ये सिलिकॉन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया सिलिकॉन ऑक्साइड बन गया है, ये लाइन किसके लिए है, मैग्नीशियम के लिए है, मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया ये, तो ये मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रखी है। तो उस फॉर्मेशन के टाइम पे गिब्स एनर्जी किसकी कितनी है वो देखनी है। अब देखो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में हम कंपेयर करें, मतलब अगर हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करना हो तो क्या हम मैग्नीशियम का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस करना हो तो क्या हम एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं, तो हमें क्या देखना है उसके लिए, गिब्स एनर्जी देखनी है। अब यहाँ पर जो है ये मोर नेगेटिव से स्टार्टिंग हो रही है, मतलब लेस वैल्यू, छोटी वैल्यू, फिर बड़ी बड़ी, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जितनी मोर नेगेटिव वैल्यू होती है उतना वो कम होती है ना, ये तो इतना तो पता ही आपको। तो अब देखो ये लाइन नीचे है मैग्नीशियम वाले, इसका मतलब इसकी गिब्स एनर्जी मोर नेगेटिव है, एल्यूमिनियम की लाइन यहाँ पर है, इसका मतलब इसकी गिब्स एनर्जी जो फॉर्मेशन है वो क्या है, लेस नेगेटिव है। तो मोर नेगेटिव किसकी हुई, मैग्नीशियम की, लेकिन कहाँ, आप देखेंगे कि दोनों लाइनें कहाँ टच कर रही है, यहाँ पर, यहाँ तक इस टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर है 1623 केल्विन, तो इस टेम्परेचर पे हम देख रहे हैं कि इस टेम्परेचर से बिलो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो गिब्स एनर्जी है वो मोर नेगेटिव है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो गिब्स एनर्जी वो लेस नेगेटिव है। इट मीन्स मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को इजिली से रिड्यूस कर सकता है, अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करना हो तो हम मैग्नीशियम का यूज कर सकते हैं, लेकिन कब, बिलो द टेम्परेचर, बिलो द टेम्परेचर 1623 केल्विन, इस टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर कम है, अगर टेम्परेचर 1623 से कम है तो हम मैग्नीशियम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब इस टाइम इसकी गिब्स एनर्जी मोर नेगेटिव है, तो ये फिर बन जाता है हमारे पास एल्यूमिनियम प्लस MgO निकल जाएगा, ये जो भी रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि 1623 से ज्यादा अगर टेम्परेचर हमने कर दिया तो क्या होगा, देखो अब जैसे टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया हमने क्या देखा, एल्यूमिनियम की लाइन तो आ गई नीचे और मैग्नीशियम की लाइन चली गई ऊपर, जो लाइन जितना ऊपर होंगी इट मीन्स उनकी गिब्स एनर्जी उतनी क्या है, लेस नेगेटिव है, और जो लाइन नीचे होती है इट मीन्स उसकी गिब्स एनर्जी क्या है, मोर नेगेटिव है। मीन्स इससे ज्यादा टेम्परेचर करते ही क्या हो गया, एल्यूमिनियम की गिब्स एनर्जी मोर नेगेटिव जाती है, इट मीन्स अब एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, मीन्स दोनों ही एक दूसरे को रिड्यूस कर सकते हैं, बट आपको क्या देखना है, टेम्परेचर कंडीशन, किस टेम्परेचर पे गिब्स एनर्जी किसकी मोर नेगेटिव है, तो जो मोर नेगेटिव होगा जिसकी, इट मीन्स वो एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है दूसरे वाले के लिए, ये आपको पॉइंट इसमें याद रखना है और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने टेम्परेचर उल्टा कर दिया, ज्यादा कर दिया, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम रिड्यूस करवा सकते हैं एल्यूमिनियम की हेल्प से, ऐसे हमारे पास ये वाला केस आता है। फिर सिलिकॉन और अगर मैग्नीशियम में कंपेयर करें तो इन दोनों की लाइन यहाँ पे टच हो रही है, यहां से देखें तो मैग्नीशियम की लाइन जो है वो नीचे है, सिलिकॉन की लाइन ऊपर है, इट मीन्स मैग्नीशियम की एनर्जी मोर नेगेटिव है, सिलिकॉन की एनर्जी जो है वो लेस नेगेटिव है, इट मीन्स मैग्नीशियम सिलिकॉन ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, मैग्नीशियम इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन कब, बिलो द
1966 केल्विन 1966 केल्विन से टेम्परेचर नीचे रखेंगे वहां तक तो मैग्नीशियम सिलिकॉन ऑक्साइड को लूज कर सकता है, लेकिन जैसे ही इससे टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो क्या हुआ, सिलिकॉन की लाइन आ गई नीचे और मैग्नीशियम की लाइन चल गई ऊपर। इट मींस सिलिकॉन की गिब्स एनर्जी हो गई है मोर नेगेटिव और मैग्नीशियम की गिब्स एनर्जी क्या है, लेस नेगेटिव। अब सिलिकॉन जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को लूज कर सकता है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो गिब्स एनर्जी मोर नेगेटिव होनी चाहिए और किस टेम्परेचर पे है वो टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि एवरी टेम्परेचर कंडीशन पे कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस हर किसी को लूज नहीं कर सकता है, हर किसी की अपनी अपनी टेम्परेचर कंडीशन होती है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ गिब्स एनर्जी जो है वो कम ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो आपने पढ़ा था ना गिब्स एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है ये डेल एच माइनस टी डेल एस। 11th में आपने पढ़ा था टेम्परेचर की कंडीशंस के ऊपर कि आप टेम्परेचर को वेरीज कर देते हैं तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाता है, तो हर टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहे ये पॉसिबल नहीं है ना, तो टेम्परेचर कंडीशन हमें ध्यान रखनी होती है कि किस टेम्परेचर पे गिब्स एनर्जी मोर नेगेटिव किसकी है, विच वन इज द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये है पायरोमेट्रेजी का प्रिंसिपल, तो इस तरह से हम रिडक्शन कर देंगे, क्रूड मेटल हमें मिल गया है, अब इस क्रूड मेटल की क्या करते हैं फिर रिफाइनिंग करते हैं, तो रिफाइनिंग के जो क्या क्या स्टेप हम यूज करते हैं रिफाइनिंग करने के लिए वो कल करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो आज करवाया है उसको अच्छे से पढ़ लेना आप, ओके बाय, टेक केयर।